नीमच जिले में आज कोविड-19 को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने जिला न्यायालय परिसर में एक कैंप लगाया, जिसमें सभी अभिभाषक और शासकीय कर्मचारी को छोड़कर सभी पक्षकारों को और जो भी जिला न्यायालय परिसर में संदिग्ध दिखे उन सभी का कोविड-19 का सैंपल लिया गया। देखिए, ये कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश ठाकुर साहब के निर्देशन में डॉक्टर साहब की एक टीम आई हुई है सिविल हॉस्पिटल से। तो जो संदिग्ध दिख रहे हैं यहाँ पे, जो बाहरी व्यक्ति आ रहे हैं पक्षकार, तो उनको उनका टेस्ट किया जा रहा है। तो जो भी पक्षकार यहाँ पे आ रहे हैं शासकीय कर्मचारी और अभिभाषकों को छोड़कर, उनकी जाँच की जा रही है। यह माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के पास जो सूचना प्राप्त हुई है स्वास्थ्य विभाग से कि हम यहाँ पर जांच करना चाहते हैं, और इसी परिप्रेक्ष्य में शासन ने भी पाया है कि यहाँ न्यायालय परिसर में अधिवक्ता कर्मचारी के अतिरिक्त यहाँ पक्षकार भी अन्य जिलों से, अन्य तहसीलों से यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, जिनकी जांच कराए जाना आवश्यक प्रतीत होने से स्वास्थ्य विभाग को इस कोरोना की जांच संबंधी निर्देश किए गए। हमारे पास सूचना आ रही थी कि जिला न्यायालय में अभी लोगों का आवागमन चालू हो रहा है, तो उसी प्रकार के सुरक्षा की दृष्टि से हमने यहाँ पर कोरोना की जांच का एक अभियान लगाया है, जिसके अंतर्गत आज हम यहाँ पर कोरोना की जाँचें करने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारे IDG साहब ने भी हमको यहाँ पर इनविटेशन दिया था कि हम यहाँ पर आए और यहाँ जिला न्यायालय में किसी प्रकार का अगर कोई संक्रमित व्यक्ति घूमता पाया गया तो उसकी कोरोना जांच करें। तो फिलहाल अभी जिले में राहगीरों की जांच कर रहे हैं, सभी वकील कर्मचारी सभी कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति अगर सिम्टम्स आ रहे है या किसकी जांच करने योग्य कोई व्यक्ति अगर हमको दिखाई देता तो उसी प्रकार की हम यहाँ जाँच करते। नीमच से दीपक खताबे की रिपोर्ट।